गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ त्रिलोक राणा, फिजिकल एजुकेशन टीचर फ्रॉम SKLGD पब्लिक स्कूल। आज हम 12th क्लास के फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन का पहला चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का मतलब है कोई भी टूर्नामेंट हो या कोई भी क्या कहते हैं मैच, उस मैच से पहले की जो प्लानिंग की जाती है उसी को ही प्लानिंग कहा जाता है। फिजिकल एजुकेशन चैप्टर में यानी फर्स्ट चैप्टर में 6 टॉपिक्स है जो आपको क्या कहते हैं इसमें दिखाई दे रहा है बुक्स में, उस बुक की डिटेल में बताता हूँ। पहला है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। सेकंड है वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट। थर्ड है टूर्नामेंट्स, नॉकआउट टूर्नामेंट्स, लीग और राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशंस। फोर्थ है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स, नॉकआउट बाय एंड सीडिंग के साथ एंड लीग जो साइकिल मेथड और स्टेयर केस मेथड के अकॉर्डिंग करना है। फिर है फिफ्थ नंबर है इंट्रामुरल्स एंड एक्स्ट्रामुरल्स, उसकी मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। सिक्स है आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जिसमें से स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी है। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग स्पोर्ट्स। तो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, हम पहले इसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या कहते हैं प्लानिंग का मतलब क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। पहला टॉपिक है मीनिंग। मीनिंग ऑफ प्लानिंग यानी क्या मतलब है प्लानिंग का, तो उसकी डेफिनेशन या इसे आप समझ सकते हो जैसे कि प्लानिंग इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग ऑफ गोल एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजी विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल्स एफिशिएंस। तो इसका मतलब है प्लानिंग एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो अपने इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंस के जरिए किसी भी चीज़ को पहले से सोचना यानी एडवांस में, ताकि हम अपने गोल्स को सेट करें और गोल्स को सेट करने के बाद उन गोल्स की अचीव करें, ताकि जो भी पार्टिकुलर या टारगेट जो हमने सेट किया है उस सेट को क्या कहते हैं अचीव करके करने के बाद उसको क्या कहते हैं प्लानिंग को सक्सेस किया जाए। यही होता है प्लानिंग, यानी पहले से प्लानिंग करना। अगर आप पहले से प्लानिंग करके चलोगे तो जो भी टास्क हो या वर्क हो या कोई भी टूर्नामेंट हो उस टूर्नामेंट को आप अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं प्लानिंग के साथ। ये तो हो गया मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव प्लानिंग के बारे में। तो मीनिंग हमने बताया है, अब बचा है ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव कौन कौन से है किस योजना के, यानी प्लानिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमरजेंसी। इसका मतलब होता है जो भी क्या कहते हैं हम कार्य करते हैं जल्दबाजी में, उस जल्दबाजी में दबाव को कम करना। सेकंड है टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़। इसका मतलब होता है जो भी आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो उस एक्टिविटीज़ में आपका खुद का कंट्रोल होना। थर्ड है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस। टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है अगर जो भी क्या कहते हैं आप प्लानिंग करते हो उस प्लानिंग में अच्छे तालमेल बनाना। फोर्थ टॉपिक है आपका टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। इसका मतलब होता है जो भी आप गलतियां करते हैं उस गलतियों की संभावनाओं को कम करना, यानी कम से कम करना। गलतियां तो होती रहती है लेकिन जो भी गलतियां होगी वो हमको क्या करना है कम से कम करना है। फिफ्थ है टू इंक्रीज एफिशिएंसी। टू इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता में वृद्धि करना, यानी आप में जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। सिक्स टॉपिक है
टू इन्हेंस क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मक में वृद्धि करना, यानी आपके जो भी क्या कहते हैं क्वालिटीज़ है, जो भी क्या कहते हैं क्रिएटिविटी, नई नई सोच है, उसको क्या कहते हैं अपने आप को अचीव करना या अपने आप को बढ़ाना। और लास्ट टॉपिक है, 7th नंबर है, टू इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का मतलब होता है आपके जो भी खेल प्रदर्शन है उस खेल प्रदर्शन को बढ़ाना। तो पहला ऑब्जेक्टिव था उसके बारे में मैंने बता दिया है, 7 ऑब्जेक्टिव्स है और 7 में से मैंने 7 बता दिए है, जिसमें से पहला तो आपको पता ही है, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएटली। इसका मतलब होता है, मान लो जब कोई टीम प्रतियोगिता यानी कि टूर्नामेंट्स खेलती है या कोई भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करनी होती है, तो उस समय क्या होता है टीम का जो ऑर्गेनाइज करने वाले ऊपर बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी प्रेशर्स डेवलप होता है। उस अननेसेसरी प्रेशर डेवलप होने से कोई भी टास्क या वर्क या टारगेट दिया जाए या मिलता है तो वो सही तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। अगर हम सभी लोगों एक प्लानिंग के साथ ट्रेनिंग किया जाए तो टीम हो या टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले लोग वो अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ करेंगे तो जो उनका अननेसेसरी प्रेशर है वो कम हो जाता है, यानी अननेसेसरी प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो कम होने के साथ साथ क्या होता है कि वो जो भी क्या कहते हैं गलतियाँ करते हैं वो गलतियों होने के चांसेस कम होते हैं, यानी इमिडेंस मतलब होता है जल्दबाजी में, यानी जल्दबाजी में जो वर्क करते हैं तो हम लोग की बहुत सी गलतियाँ होती है, अगर हम प्लानिंग के साथ करें तो वो गलतियाँ हमें कम मिलेगी। सेकंड ऑब्जेक्टिव था टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। तो इसका मतलब होता है कोई भी एक्टिविटीज़ या टूर्नामेंट या कंपटीशन होता है उसमें गलतियां होती है तो गलतियों का अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं तो हम प्लानिंग के साथ करना चाहिए, अगर हम प्लानिंग के साथ टूर्नामेंट या कंपटीशन तैयारी करते हैं तो हम लोग मिस्टेक बहुत कम होगी। अगर जब मतलब ये है कि कोई भी क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं जो भी गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलने के बाद क्या होता है, अभी हम प्लानिंग के साथ गेम्स खेलेंगे या स्ट्रेटजी के साथ गेम्स खेलेंगे तो जब हम खेलते रहते तो हमें क्या एक प्रैक्टिस हो जाती है। उस प्रैक्टिस में क्या होता है जो भी क्या कहते हैं हम जैसे बॉलिंग हो गया, बैटिंग हो गया, फील्डिंग हो गया, अगर ये हम ये क्या कहते हैं प्लानिंग के साथ करते रहेंगे तो हम हमारे मिस्टेक कम होगी और मिस्टेक कम होने के बाद क्या होता है कि जो भी चीज़ होगी उस चीज़ में क्या कहते हैं हम लोग बहुत ही कंट्रोल कर लेंगे। मतलब यह बैटिंग है, बैटिंग आप बैटिंग करना और क्या कहते हैं उस तरह से शॉट खेलना तो वो कंट्रोल में होगा। या मान लो फील्डिंग है, फील्डिंग कर रहे हो, फील्डिंग को बॉल को कैच कर रहे हो या बॉल को पकड़ करके थ्रो कर रहे हो, उसमें क्या होता है जब आप उसी वही लोग खेलते रहोगे और करते रहोगे तो आपकी जो मिस्टेक है वो कम होगी, साथ में आपकी जो एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटी में बहुत ही कंट्रोल होगा। चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, जब तक आप प्लानिंग के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके में कंट्रोल नहीं आएगा। तो आप प्लानिंग के साथ करिए तो आप जितनी भी जो भी स्किल होगा वो स्किल में आपको बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल मिल जाएगा या आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस। इस ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य ये है कि जब भी कोई टूर्नामेंट या कंपटीशन होता है तो कमेटीज़ और स्टाफ के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए ताकि गेम्स खेलने पर किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। आपसी तालमेल के साथ मैच को कराना चाहिए, चाहे वो एम्पायर हो या स्टाफ हो या रेफरी हो। जैसे कि मान लो क्या कहते हैं कोई कबड्डी का मैच हो रहा होता है, कबड्डी के मैच में 2 एम्पायर होते हैं, तो 2 एम्पायर होते हैं तो फील्ड के, तो उस फील्ड के एम्पायर को अपने कोऑर्डिनेशन के साथ ही निर्णय देना चाहिए ताकि जो गेम्स चले वो फेयर चले। कभी कभी क्या होता है कि एक एम्पायर दूसरी तरफ का कबड्डी में
तीन पॉइंट देता है और दूसरी तरफ का जो एम्पायर होता है वो दो देता है। तो इसमें क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन ना मिलने के कारण बहुत सी ऐसी टीम होती है और जो देखने वाले होते हैं, जो टेक्निकल स्टाफ भी होते हैं, वो फिर क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि उन लोगों में फेयर गेम्स नहीं हो रहा है। अगर वो देखा जाएगा, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है हाथ हाथ और क्या कहते हैं उनके मूवमेंट, उनके इशारे, उनके फेस। अगर मान लो क्या कहते हैं आपको थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो कभी कभी क्या होता है जो सामने वाला एम्पायर है वो तीन पॉइंट दे देता है, लेकिन हमको नहीं पता होता है कितना होता है। तो क्या होता है कि हम उसके हिसाब से ही फिर तीन पॉइंट दे देते हैं, या अगर कोई कोई प्रॉब्लम होती है या मिस्टेक होती है तो आपस में मिल करके यानी कोऑर्डिनेशन बना करके उसका जो जो भी निर्णय होगा, सही निर्णय होगा, वो निर्णय लिया जाता है। यानी कोऑर्डिनेशन के साथ, चाहे वो टेक्निकल हो, एम्पायर हो, स्कोरर हो, चाहे कोई भी हो, कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए, साथ में साथ स्टाफ भी। फोर टॉपिक ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक, यानी जितनी भी गलती आती है उस गलती को कम से कम करना। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक यानी गलतियों की संभावना को कम करना भी एक प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंस रोल है। अगर हम प्लानिंग के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन कोई भी मैच हो वहाँ पर मिस्टेक होना स्वाभाविक है। अगर हम मैच में ज़्यादा गलतियाँ हो तो वो टूर्नामेंट आगे चलकर अच्छी छाप नहीं छोड़ पाता, और इसमें बहुत तरह के गलतियाँ होने पर लोग बाग उसको ये टारगेट मान लेते हैं कि ये गेम्स फेयर नहीं हुआ। इसलिए प्लानिंग के साथ ट्रेनिंग करें तो हम मिस्टेक को बहुत कम किया जा सकता है या कम कर सकते हैं, जिससे कि जो भी टूर्नामेंट्स हो या मैच हो उसमें जो भी गेम्स हो वो फेयर हो। तो हो सके तो क्या कहते हैं हम ट्रेनिंग करेंगे या प्लानिंग के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो हो सके तो कम से कम मिस्टेक हो, जिससे कि क्या कहते हैं गेम अच्छी तरह चले। ऑब्जेक्टिव नंबर सिक्स टू इन्हेंस क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना प्लानिंग करने का इम्पोर्टेंट उद्देश्य होता है। टीम के कोच या फिजिकल एजुकेशन के टीचर, कोई भी टीचर्स हो, उनके अंदर एक क्रिएटिविटी होना जरूरी है। कभी कभी बार बार एक ही तरह से ट्रेनिंग करने से प्लेयर में बोरियत फील होती है, उसी को बार बार दोहराने से अच्छा है कि कोई क्रिएटिविटी किया जाए, ताकि ट्रेनिंग में कुछ नयापन हो या नया होने पर प्लेयर जो भी गेम्स खेलता हो उसको अच्छी तरह से करे या ऐसा अच्छी तरह से करे, साथ में बोरियत जो फील ना हो और जो प्लेयर है कुछ नया करने के लिए सीखे। यानी कि कोई भी ट्रेनिंग हो, वही ट्रेनिंग कुछ नई तरीके से, नई क्रिएटिविटी की तरह से या नई सोच या अच्छी तरह से किया जाए तो वो क्या कहते हैं अच्छी लाभदायक होता है, ताकि प्लेयरों में क्या कहते हैं एक एनर्जी बने रहे और एक नयापन भी लगे, ताकि उन लोग खेल जो भी खेल खेले उनको ज़्यादा थकान भी महसूस भी ना हो और ट्रेनिंग के साथ से उनकी स्किल भी क्या कहते हैं डेवलपमेंट हो। प्लानिंग नंबर सिक्स है टू इंक्रीज एफिशिएंसी यानी दक्षता में वृद्धि करना। स्पोर्ट्स के स्टाफ, कोच, एम्पायर, रेफरी और फिजिकल एजुकेशन टीचर में एफिशिएंसी होना जरूरी है। एफिशिएंसी मतलब होता है दक्षता होना जरूरी है। मतलब यह है कि अगर कोई क्रिकेट का कोच है तो उसको क्रिकेट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। अगर खो खो या कबड्डी या वॉलीबॉल या बैडमिंटन या बास्केटबॉल के कोच हो तो उन्होंने वही गेम जो गेम वो खिलाते हैं उनमें दक्षता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या कहते हैं अगर कोई कबड्डी का मैच चल रहा हो तो वहाँ पर क्रिकेट के प्लेयर या कोई कोच जा करके कराने लग जाए, तो उससे क्या होता है कभी कोई कुछ चीज़ ऐसी होती है जो रूल्स नहीं मालूम होते हैं, लेकिन वहाँ पर रूल्स नहीं मालूम होने के कारण कुछ गलतियाँ होती है। गलतियाँ होने पर क्या होता है कि वहाँ पर जो भी गेम चलता है वो बेकार और झगड़ा वाला भी हो जाता है, जिससे कि उसमें बहुत सी परेशानियाँ हो जाती है। अगर हम प्लानिंग के साथ एफिशिएंसी इंक्रीज करें
तो हो सके तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट और अच्छी तरह से तालमेल बना करके एक अच्छी ट्रेनिंग दे करके एक अच्छा प्लेयर हम बना सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी कोच हो या फिजिकल का एजुकेशन टीचर हो, अगर वो गेम्स करा हो तो वो हर गेम में दक्षता यानी पूर्ण तरीके से रूल्स और रेगुलेशन को जानने वाला होना चाहिए, बिगड़ जानने वाला नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम प्लानिंग के साथ चलेंगे तो हमारा जो गेम्स है वो इम्प्रूव होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 7, टू इनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। टॉपिक नंबर 7 यानी ऑब्जेक्टिव नंबर 7 है टू इनहेंस स्पोर्ट्स, यानी कि खेल में प्रदर्शन को बढ़ाना। कोई भी प्लेयर या एथलेटिक्स के खेल प्रदर्शन को बढ़ाना भी एक खेल योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगर हम प्रॉपर अच्छी तरह प्लानिंग के साथ ट्रेनिंग करें तो सभी प्लेयर्स में उनकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में इंक्रीज होगा। बिना प्लानिंग के किसी भी खिलाड़ियों के बारे में अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए हमें प्लानिंग के साथ ट्रेनिंग करें तो प्लेयर्स में परफॉर्मेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग है। अगर प्लानिंग के साथ हम ये इस रूल्स का और इस क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव को फॉलो करेंगे तो हम आगे चलकर एक अच्छे से प्लेयर बन सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर का प्लानिंग स्पोर्ट्स का जो क्या कहते हैं टॉपिक्स है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ये यहीं पर ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2, वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।